हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का इतिहास का अध्याय 10 पढ़ेंगे। और इस वीडियो में ने जो है आपको आगे की हम और चर्चा करेंगे टॉपिक पर। तो पिछले वाली वीडियो में आपको जो है मैंने नेटिव के बारे में बताया, बाइसंस के बारे में बताया। अब हम चलते हैं आगे की और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की हम बात कर रहे थे कि किस तरह जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप पर जो है किस तरह जो है यूरोप के लोग आए और यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे जो है और भी जो है महाद्वीप की ओर ये आगे बढ़े। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम चलते हैं तो उत्तरी अमेरिका में जो अनेक भाषाएँ बोली जाती थी और हालाँकि जो है वह लिखी नहीं जाती थी, यानी जो भाषाएँ थी अमेरिका भाषा वो केवल बोली जाती थी, यानी वो लिपिबद्ध उसको हम लिख नहीं सकते थे। तो उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और उनके कबीले के पास उनकी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में जो है ब्यौरे थे और थोड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलते आ रहे थे और ये कुशल कारीगर थे और जो है खूबसूरत जो कपड़े भी बुनते थे, वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न जो है भूदृश्य को जो है उसकी तरह अच्छी तरह समझ सकते थे कि जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीज़ें पढ़ते थे। यानी अमेरिका के जो नेटिव जो लोग हैं, अमेरिका के जो नेटिव लोग हैं ये क्या थे, काफ़ी उस समय अनपढ़ भी थे। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पढ़े लिखे लोगों की यहाँ पर संख्या बहुत कम थी या ना के बराबर, तो जो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी वो भाषा केवल बोली जाती थी ना कि लिखी जाती थी। फिर भी कह रहे हैं कि ये धरती को पढ़ सकते थे, यानी जलवायु का जो है सटीक अनुमान लगा सकते थे और वहाँ के भूदृश्यों के बारे में जो है काफ़ी अच्छी इन्हें जानकारी भी थी। तो यहाँ के जो लोग हैं नेटिव जो लोग हैं, इन नेटिव लोगों को हम देखें तो इन नेटिव लोगों ने जो है हम देखें यहाँ पर तो कई अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। और पेज नंबर 216 पर जो है बॉक्स के अंदर एक महिला को दिखाया गया है, वो किस तरह के वस्त्र आभूषण पहने हुई है आप देख सकते हैं उस पेज नंबर 216 के अंदर, पेज नंबर 216 के अंदर चित्र दे रखा है नीचे की ओर। और उसमें बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। वो शब्द क्या है, वहाँ के नेटिव लोग यानी वो जो मूल बाशिंदे, वो अंग्रेजी में प्रयुक्त जो पद जो है वो शब्द जो है उसका इस्तेमाल करते थे विशेष विशेष वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे चलते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए आप, तो प्रस्तर की पट्टी पर ये खुदा था कि होपी ये मानते थे कि उसके पास जो है वापस आने वाले, ठीक है, होपी आने वाले भाई और बहन धरती के पास से कछुओं के रूप में आएंगे और वे इंसान होंगे पर कछुए जो है के रूप में आएंगे, इसलिए अब समय आ गया है। तो होपी लोग धरती के इस पार से आने वाले कछुओं का स्वागत करने के लिए खास गांव में कुछ इकट्ठे हुए और वह सुबह सुबह उठ गए और उन्होंने जो सूर्योदय देखा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कहानी एक तरह से, ठीक है, इस कहानी को बता रहा है वो जहाँ पर, ठीक है। तो सुबह सुबह उन्होंने जो है सूर्योदय को देखा, उन्होंने जो है मरुभूमि के पास जो है निगाहें दौड़ाई और उन्होंने बख्तरबंद जो है स्पेनी कांसी कॉर्डर दिखाई पड़े जो कि धरती के उस छोर से आते कछुए की तरह जो है लग रहे थे और उन्होंने समझा कि वह उसी की इंतजार था, इसलिए उन्होंने स्पेनी इंसान के पास गए और उनसे हाथ मिलाने की उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन स्पेनी ने उनके हाथों में कोई सस्ती सी जो है चीज़ पकड़ा दी और उनके पूरे उत्तरी अमेरिका के जो है ये बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है और शायद कुछ भाइयों और जो बहनों में कुछ सभी चीज़ों को जो है पवित्रता को भुला दिया है और इसकी वजह से जो है धरती पर सभी इंसान काफ़ी कष्ट पाने वाले हैं। तो ये बता रहा कि कहानी जो बताया गया उस समय जो नेटिव लोगों के द्वारा ये बताई गई कि उस समय कहा कि धरती के पुत्र आने वाले हैं, उनके होपी जो नाम के व्यक्ति कह रहे कि मेरे भाई बहन आने वाले हैं किसके रूप में, कछुए के रूप में, धरती के पार, समुद्र के पार, ये जैसे हम कह सकते हैं। तो जब स्पेनी लोग जब अमेरिका में आए तो दूर से जब वो घोड़े पर आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा लगा कि कछुए की तरह आ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं रेंगते हुए। पर जैसे जब स्पेनी लोग जब वहाँ पर आए और होपी नाम का जो व्यक्ति है उन्होंने जब अपने गाँव के लोगों को इकट्ठा किया सुबह, वो जल्दी उठ गए उनके स्वागत के लिए। और स्वागत के लिए जब वो वहाँ पर जब उन्होंने देखा इन लोगों को तो उन्होंने जब हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए तो उन्होंने हाथ में एक छोटी सस्ती चीज़ थमा दी और फिर उन होपी का मानना था कि अब समय बहुत ख़राब आने वाला है, ठीक है, हमारा शोषण भी हो सकता है दुख के समय या दुख कष्ट के समय जो अब आने वाले, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में जो 2 महीने के कठिन समुद्रिक जो है अभियान के बाद जो है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी जो है तट, ठीक है,
तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को देखकर सुकून मिला कि वहाँ के स्थानीय लोगों का जो है व्यवहार और दोस्ताना और गर्मजोशी से भरा है। यानी जब 17वीं शताब्दी में जब उत्तरी अमेरिका के जब उत्तरी तट पर जब लोग पहुँचे, यूरोप के लोग पहुँचे, तो उन वो काफ़ी खुश थे क्योंकि इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था नेटिव लोगों का, अमेरिका के मूल निवासियों का, बाशिंदों का। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका जब गए स्पेनी के विपरीत था, जो कि वहाँ के सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे और वह मछली और जो जो है रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे। और उनके जो है हम देखें जिन्होंने शिकार कुशल देसी लोगों के ओर से जो है अपेक्षित मदद मिलेगी। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ, उत्तरी अमेरिका में जो उनका काफ़ी गर्म जोशी से स्वागत किया गया। ठीक है, पर दक्षिण अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा और दक्षिण में हम देखें तो मिसिसिपी के किनारे किनारे जो है फ्रांसिस ने पाया कि देसी लोग जो है नियमित रूप से जमा होते थे और इनका मकसद था कि ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करने से जो जो उनके लिए कबीले में ही बनते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम और चीज़। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर तो स्पेन के और फ्रांस के जो लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है कई ऐसी जो है विचारधाराएँ सामने रखी और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के लोगों के बारे में जो है अलग अलग चर्चाएँ और विषय और विचार दिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यूरोप के जो बाशिंदे जो है कंबल और लोहे के बर्तन कभी कभार अपने मिट्टी के पात्रों की जगह जो इस्तेमाल भी करते थे और बंदूकें और शराब भी देते थे। और यहाँ के बाशिंदों को पहले शराब से परिचय नहीं था, पर वो जल्दी इनकी जो आदत के शिकार हो गए। और जब यूरोपीय लोगों के लिए इच्छा स्थापित हुआ तो क्योंकि उन्होंने अपने व्यापार के लिए अपनी शर्तों को जो है थोपने में सक्षम बनाया, तो यहाँ पर धीरे धीरे हम देखें लोगों ने अपने मूल निवासियों के तंबाकू की आदत ग्रहण की। यूरोपीय लोगों ने जो है उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर आ रही है। पहली बार यूरोप के लोगों ने जो है शराब की आदत थी, ये शराब की आदत कहाँ लग गई? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। यूरोप के लोगों ने जो है शराब की लत किसे लगा दी? अमेरिका के लोगों को। और अमेरिका के लोगों की एक आदत थी, वो थी तंबाकू सूंघना या जो भी खाना, जो भी आप समझ सकते हैं, ये आदत जो है यूरोप में चली गई। यानी अब क्या हो रहा है, जब उपनिवेश बन रहा है तो कुछ ना कुछ जो है आदान प्रदान हो रहा है खाने या पीने की वस्तु, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यूरोप के लोगों ने ये आदत शुरू कर दी। तो यहाँ पर हमने देखा है कि धीरे धीरे जो है अब यूरोपवासी की कुछ आदतें जो है अमेरिका में जा रही है, अमेरिका वासियों की कुछ जो आदतें जो है यूरोप के अंदर जा रही है, तो इस तरह से जो है आदान प्रदान हो रहा है। तो हम अब आगे देखते हैं इस चीज़ के अंदर पारस्परिक धारणाएं। पारस्परिक धारणाएं, ठीक है। तो 18वीं सदी में जो है पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता संगठित और धर्म और जो है शहरीपनों के आधार पर ही करा करते थे। यानी जो 18वीं सदी के जो पश्चिमी यूरोप के लोग जो है एक सभ्य मनुष्य के रूप में जो है सामने आने लगे, उन्होंने अमेरिका के मूल निवासियों को असभ्य प्रतीत हुए। यानी कह रहे कि जो उन्होंने अमेरिका के जो मूल निवासी है वो क्या है? असभ्य है। अमेरिका के जो मूल निवासी है वो क्या है? असभ्य है। यानी वो अशिक्षित है, सभ्य नहीं है। तो फ्रांसीसी जो है दर्शन शास्त्री जो है ज्या जेक रूसो जैसे जो है कुछ यूरोपियों के लोगों ने जो है ऐसे लोगों की तारीफ के काबिल थे क्योंकि वे सभ्यता के जो है हम देखें विकृतियों से अछूते थे। इनके लिए एक प्रचलित पद था उदात्त उत्तम जंगली। एक दूसरा नज़रिया हम देखें अंग्रेजी के कवि जो है विलियम्स बर्थवर्थ ने की कुछ पंक्तियों में मिलता है। ठीक है, तो बर्थवर्थ जो है और रूसो ने जो कोई किसी भी जो अमेरिका मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन जब बर्थवर्थ ने जो उसका वर्णन करते हुए कहा कि जंगलों में रहते हैं और वह कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने में, उन्हें ऊंचा उठाने में और परिचित करने में, ठीक है, अवसर बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों को जो है कल्पना शक्ति और भावनाएं अत्यंत सीमित होती है। ठीक है, तो सही बात है। अमेरिका के हम देखें तो तीसरे प्रेसिडेंट और जो है बर्थवर्थ के जो है समकालीन जो है थॉमस जेफरसन ने जो है मूल निवासियों को यहाँ के बारे में कुछ ऐसे शब्द कहे जिन पर आज के संबंध में जो कड़ा विरोध जो है जाहिर किया गया था। तो हम देखते हैं तो ये दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक जो हैं वाशिंगटन
एरिकविंग, एक जो दूसरे लेखक है वॉशिंगटन इरविन, उन्होंने कहा है कि बर्थफोर्ड ने जो है खासे छोटे थे और मूल निवासियों में जो समूचे मिलते थे, और उनका वर्णन जो है उन्होंने बिल्कुल विभिन्न रूप से किया है। जिन इंडियंस की असली ज़िंदगी को देखने के लिए कुछ मौके मिले थे, वह कविताओं में वर्णित अपने रूप में काफ़ी भिन्न थे। तो इस तरह से जो है ये अवधारणाएँ चलती है, ठीक है। तो ये बर्थवर्ड जो है, ठीक है, इन्होंने अपनी अवधारणा को जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया है और वहाँ पे उनके बारे में बताया, उनके हाव भाव के बारे में, उनके मनोरंजन के बारे में, और जब वो मिला करते थे वहाँ के लोगों से तो उनके बारे में उसने चर्चा भी की है, ठीक है। तो मूल बाशिंदे यूरोप के लोगों के पास जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, यानी जो मूल बाशिंदे वो चीज़ों का जब आदान प्रदान कर रहे हैं किससे, यूरोप के लोगों से, तो उनके लिए जो है दोस्ती के लिए उपहार थे। यानी अब जो वो चीज़ों का आदान प्रदान कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उपहार, वो चीज़ों का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, उपहार रहे हैं वो उनके लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका सपना दिखाने वाले यूरोप लोगों के लिए जो है मछली और जो है रोएदार खाल माल थे, और जिन्होंने मुनाफा कमाने के लिए जो यूरोप में बेचना था, इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम जो है पूर्ति के आधार पर साल दर साल जो बदलते रहते थे, और मूल निवासी इन्हें समझ नहीं सकते थे। यानी आप कह रहे हैं कि यूरोप के जो लोग जब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, रोएदार खाल, ठीक है, और मछली के लिए जो है यहाँ पर वो अपना साम्राज्य व्यापार फैला रहे हैं, और ये यूरोप अमेरिका के लोग ये इसको नहीं समझ सकते, और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वहाँ पर मछली का मांस और रोएदार जानवर की खाल जो है यूरोप जाने लगी, और इस तरह से जो है अमेरिका का शोषण होने लगा। तो हम देखते हैं, उन्होंने सुदूर यूरोप में स्थित जब बाजार का जब जरा भी जो बांध नहीं था उसके लिए, ये तो सब पहले की तरह ही था कि यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ों में बदले कभी कभी तो कुछ बहुत सारा सामान देते थे और कभी कुछ बहुत कम थे, और यूरोप के लोगों ने जो है लालच को देखकर भी दुखी होते थे क्योंकि प्रचुर मात्रा में जो है रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्हें सैकड़ों जो है ऊद बिलाओं को हलाल किया था, और कुछ जो है मूल बाशिंदे उन्हें काफ़ी जो है विचलित थे, उन्हें ये डर था कि जानवर इस तरह जो है विध्वंस का बदला लेगा। तो बड़ी मात्रा में जो ऊद बिलाओं को जो मारा गया उसके रोएदार खाल के लिए, तो यूरोप के लोगों को अब ये चिंता होने लगी कि काफ़ी हमें कुछ खाल के लिए जो है काफ़ी बड़ी सैकड़ों मात्रा में जो है बहुत सारे सामान या उपहार देने पड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो गया यहाँ पर, धीरे धीरे जो है अब यूरोप के लोगों ने जो है अपने उपहार की मात्रा कम कर दी, सस्ती चीज़ें वहाँ देना शुरू कर दी, और काफ़ी कीमती वस्तु जो है रोएदार खाल है, मछली का मांस है, ये बड़ी मात्रा में जो है अब यूरोप जाने लगा, और उन्हें जाना भी भड़क नहीं थी कि इनका अब क्या हो रहा है, यहाँ पर शोषण हो रहा है। तो हम देखें, शुरुआत में आए यूरोपीय लोगों ने जो व्यापारी थे, पर वो पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए थे, यानी जो उनके पीछे जो गुलाम लोग आ रहे हैं, दास लोग आ रहे हैं, वो अमेरिका में जाके ही बस गए, ठीक है। 17वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों ने जो है यहाँ पर कुछ समूह जो है ईसाइयत के भिन्न भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से जो है उत्पीड़न के शिकार भी थे, और कैथोलिक प्रभुत्व के जो है रहने वाले प्रोटेस्टेंट और प्रोटेस्टेंटवाद को जो है धर्म राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों में कैथोलिक, उनमें से बहुतों ने जो यूरोप में को छोड़ दिया और एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए वो अमेरिका चले गए, और वहाँ तक की खाली ज़मीनें थी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वहाँ आए और अंदर निवासी के गांव की ओर बढ़ने लगे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह जो है यूरोप के जो गैर ईसाइयत जो लोग हैं वो यूरोप को छोड़ कर कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं और महाद्वीप पर जा रहे हैं, वो वहाँ उन व्यापारी के साथ जा रहे हैं और वो वहाँ पर जाकर वो बस गए, ठीक है। तो अब पहली बात कि अमेरिका में जो है जो नेटिव थे ये किसके संपर्क में आ रहे हैं, ब्रिटेन के या यूरोप के लोगों के, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अमेरिका में उपनिवेश में कौन जाके बसा, जो लोग गैर ईसाइयत थे, यानी जो वहाँ पर कैथोलिक धर्म को नहीं मानते थे या और भी धर्म के लोग वहाँ रहा करते थे, तो वो लोग जो है व्यापारी के साथ दास या गुलाम के रूप में वो उपनिवेश देश में जाकर बस गए, और वो वहीं पर ज़िंदगी जो इन्होंने बसर करी, अपने परिवार को बढ़ाया, परिवार की संख्या बढ़ाया, और वो हमेशा वहीं पर जाके बस गए उपनिवेश महाद्वीप पर या देश में। तो इस तरह से जो है वहाँ पर एक पारंपरिक धारणाएँ जो है धीरे धीरे जो है ये धारणाएँ प्रबल होती गई और धीरे धीरे जो है शोषण होने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर पारंपरिक धारणाओं के बारे में हमने बात करी, चर्चाएं हमने करी, और किस तरह जो है नेटिव लोग जो है अपने विचारों से वो अद्भुत हो रहे हैं और
वो अपने आप को जो है संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह जो यूरोप के जो देश है या जो व्यापारी वर्ग है वो किस तरह जो अमेरिका का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में जो धीरे धीरे जब यहाँ पर नेटिव लोगों की शिक्षित होंगे तो ये भी अपने बारे में सोचेंगे और फिर इस तरह का शोषण को रोक पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने खेतों को जो है लोहे के हज़ारों का इस्तेमाल औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। तो अब जब यूरोप से जो लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर बस रहे हैं उनके लिए ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं थी, व्यापार की कोई कमी नहीं थी, यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव भी उस समय नहीं था और ये लोग बड़ी आसानी से जो है ये अमेरिका में जाकर बस गए। कौन? यूरोप के लोग जो वहाँ से परेशान थे या उस यूरोप के राजतंत्र से परेशान थे या वहाँ के धर्म धार्मिक विरोध को लेकर परेशान थे, किसी और तरह से परेशान थे। तो ये जो पीड़ित जो परिवार जो है या जो लोग हैं ये यूरोप छोड़कर अमेरिका जाकर बस गए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने जो है पारंपरिक धारणा के बारे में बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है इस टॉपिक को हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।